जरा हटके जरा बचके एक नई मूवी रिलीज हुई है थिएटर्स में, जिसके बारे में भले आपने ना सुना हो लेकिन उसके ये सॉन्ग्स तो जरूर सुने होंगे। तो इस मूवी के दो ट्रेलर्स तो ऑलरेडी आ चुके थे और उससे स्टोरी तो ऑलमोस्ट पता चली गई थी। बस एक ही सवाल रह गया था कि सारा अली खान और विकी कौशल इस मूवी में आके तलाक लेना क्यों चाहते हैं। तो 2 घंटा 12 मिनट लग गए फाइनली जवाब मिलने में कि कपिल और सौम्या दोनों एक मिडिल क्लास कपिल हैं जो अपना एक अलग घर चाहते हैं, और वो अलग घर उन्हें तभी मिल सकता है जब वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। लेकिन अब इस डिवोर्स का रीजन उन्हें अपनी फैमिली से छुपाना भी है, और इसी सब झमेले को पार करते हुए फैमिली की इम्पोर्टेंस ऑडियंस को समझाने की कोशिश की गई है। तो विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो सही है, वो एक मिडिल क्लास प्यार में पड़े हुए लड़के के रोल में तो फिट बैठते हैं। लेकिन सारा अली खान, आप कॉमेडी और एक्टिंग दोनों छोड़ दोगे तो देश का थोड़ा भला हो जाएगा और आपके कोस्टार्स भी शायद इससे बच पाएंगे। तो कहने को तो ये एक रोम कॉम मूवी है, लेकिन रोमांस की जगह पे 5 स्टार का प्रमोशन, 8 5 स्टार डू नथिंग, और कॉमेडी की जगह पे जबरदस्ती की कॉमेडी थोड़ी देखी दिखाई और सुनी सुनाई लगती है, इसीलिए कुछ नया फील ही नहीं होता। मतलब लुका छुपी, हिंदी मीडियम और मिमी भी इसी तरह की मूवीज थी, लेकिन उनमें कॉमेडी थी और बाद के इमोशनल एंगल को भी सही से प्लेस किया हुआ था, क्योंकि वो मूवीज देखते हुए आप हंसते हंसते उन कैरेक्टर के साथ रिलेट हो जाते हो, जो मेरे लिए यहाँ पे तो मिसिंग था। और इसीलिए मुझे इसके डायलॉग्स भी थोड़े ओवर द टॉप लगे। मतलब ठीक है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाना चाहते हो, पर ऐसे कौन बात करता है। और इसके साउंड ट्रैक में टोटल 4 गाने हैं, 2 रोमांटिक, 1 सैड और 1 पार्टी सॉन्ग, और गाने अच्छे हैं। तो मुझे ओवरऑल मूवी थोड़ी सी लेंथी लगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद तो सेकंड हाफ में पिक्चर में क्या चल रहा है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर मूवी के गाने अच्छे और 5 स्टार और थम्स अप का जो प्रमोशन हुआ है वो तो सबसे बढ़िया पार्ट था पिक्चर का, फुल मार्क्स फॉर प्रमोशन। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी अगर थिएटर के बजाय OTT पे रिलीज होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब आपके पास ऐप बंद करने का ऑप्शन तो होता। इमोशनल डैम इट। तो अगर विकी कौशल और सारा अली खान के डाई हार्ड फैन हो तो इस मूवी को देख सकते हो, फैमिली के साथ देखी जा सकती है। अदरवाइज कंटेंट की दुनिया में और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके तो टाइटल में ही वार्निंग है और समझदार को इशारा काफी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलती हूँ आपको फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।